बीच विवेक तिवारी हत्याकांड पर योगी सरकार के एक विधायक ने ही सवाल खड़े कर दिया। हरदोई जिले के शाहबाद से बीजेपी विधायक रजनी तिवारी ने इस मामले में पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया और यूपी पुलिस के काम करने के तरीके को गलत माना। विधायक रजनी तिवारी ने नाराजगी का इजहार करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने पुलिस के अधिकारियों और डीएम के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की। जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी वो स्वयं वहाँ पे खड़े होकर के बोल रहे थे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ इस तरह का हुआ, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसमें पूरी तरह से प्रशासन की संवेदनहीनता नजर आ रही थी। वहीं यूपी सरकार के मंत्री बृजेश पाठक ने भी इस मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कुछ वरिष्ठ पुलिस अफसर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में लीपापोती भी करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच लखनऊ में विवेक तिवारी हत्याकांड के बाद कई गाड़ियों पर कुछ पोस्टर लगे दिखाई दिए, जिनके जरिए पुलिस से गोली न मारने की अपील की गई। गाड़ियों पर लगे पोस्टर पर लिखा है कि पुलिस अंकल आप गाड़ी रोकेंगे तो पापा रुक जाएंगे, प्लीज गोली मत मारिएगा। इस तरह के कई पोस्टर सोशल मीडिया में भी वायरल हो गए।